हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनास लाइफस्टाइल। आज जो ये मेकअप लुक आप देख रहे हैं, ये एक डे टाइम मेकअप लुक है और इसे गर्मियों में आप कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक है। आप इस मेकअप लुक को कॉफ़ी डेट के लिए जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या आप कहीं पर भी छोटा सा किटी पार्टी में जा रहे हैं तब भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है, जिसमें आता है क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये कंसीलर, और आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंसीलर से ही मेकअप का जो बेस है वो बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है, ये मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा डार्क पैचेस हैं या डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कंसीलर ही अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। ये जो कंसीलर है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी घंटों तक एज इट इज़ स्टे करके रहता है। और अभी समर्स है, समर्स में हमें कुछ इस तरीके के ही बेस मेकअप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पर इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद सिंपल से मैंने इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है। कॉम्पैक्ट से सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप लगाते लगाते ही बहुत सारा पसीना हमारे फेस पर आने लगता है। तो इस वजह से ही कॉम्पैक्ट से हमें ये जो भी बेस हमने लगाया है उसको हमें अच्छे से पैक करना होता है। तो मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है और उसके बाद में ही मैं यहाँ पर ब्लश लगाऊंगी, और बहुत ही क्विकली ये जो मेकअप है ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब भी कहीं बाहर जाना हो, आपको छोटा मोटा गेट टुगेदर में जाना है या फिर कॉलेज टाइम की जो पार्टीज़ होती हैं गर्ल्स में, तो उसमें भी आप इस मेकअप को करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लश भी लगा लिया है, साथ ही में मैंने यहाँ पर अब ये जो आई शेडो पैलेट है इसके अंदर से जो ये ऑरेंज पीची सा जो शेड है, सिर्फ और सिर्फ मैं यही लगाऊंगी और अपनी पूरी आईज पर इसे ही लगाऊंगी। और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा शेड आगे लगाने वाली हूँ। तो अब आपको ये जो ऑरेंज सा जो शेड है, ये जो गोल्डन शेड है, ये हल्का सा अपने आईज पर लगाना है आगे लिड पर, और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। और ये जो आई मेकअप है ये वाला, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और साथ ही में जो शेड्स आपने ऊपर की साइड में लगाए थे वही आपको नीचे भी अप्लाई करने हैं। और अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। तो इसी आई शेडो पैलेट के जो ये डार्क जो शेड्स हैं उन्हीं से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो आप उससे भी जल्दी से आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। और मैंने कुछ इस तरीके से अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है ब्रश की सहायता से। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये पाउडरी प्रोडक्ट है तो फैलने का डर होता है, तो डोंट वरी, आप क्यू टिप से उसे क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ काजल, और देखिए जो भी प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ उन सबके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको जा कर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सभी का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से मैं रफली ही ये जो काजल है ये अपना अप्लाई करूँगी, और ये आप देख सकते हैं काजल लगाने के बाद में बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है। जो सुनी सुनी सी आईज होती है वो थोड़ी सी फिल अप हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने रफली ही लगा लिया है, और इसे अब मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि हल्का सा स्मोकी सा टेक्सचर आए। और मुझे मेरी आईज पर इस तरीके का जो मेकअप लुक है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड में ही इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। और ये जो ब्लेंडिंग वाला जो पार्ट है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे कुछ इस तरीके का जो लुक है वो अच्छा लगता है। तो मैंने इसे फिंगर से भी कर लिया है अच्छे से स्प्रेड, तो ज़्यादा चंकी सा वो लाइन नहीं नज़र आ रही है। और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मस्कारा। मस्कारा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप काजल लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मस्कारा आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं, फाउंडेशन या कोई भी चीज़ हम लगाते हैं कॉम्पैक्ट, तो वो सारा हमारी आई लैशेस के ऊपर चिपक जाता है, तो उसकी वजह से हमें वो सारा क्लीन करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरी आईज़ के नीचे थे उनको सबको हटा दिया है थोड़ा सा पाउडर लेकर के ब्रश में। तो कुछ इस तरीके से सारा मैंने रिमूव कर दिया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं अगर आपके आई शेडो आपके चीक्स पर आ गए हैं तो। और
थोड़ा सा मेरा आई शेडो फैल गया था क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और मैं रैंडमली ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं एसी के पास में नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अपनी विंडो के पास में ही डे लाइट में ही आपको ये मेकअप लुक करके दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं अब मेरा जो बेस मेकअप है ये सारा कम्प्लीट हो गया है, आई मेकअप भी मैंने कम्प्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइटर, और ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर है, और ये जो हाइलाइटर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे एक नेचुरल ग्लो आपको दिखाई देता है। तो मैं ब्रश से कंफर्टेबल नहीं थी तो मैंने फिंगर से ही इसको ले करके और थोड़ा थोड़ा सा अपनी चीक्स पर और अपनी नोज पर और हल्का सा चिन एरिया पर थोड़ा सा फॉरहेड पर लगा लिया है, ज़्यादा नहीं लगाया है क्योंकि डे टाइम में कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चंकीनेस आ जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, और क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो ऑलरेडी हमारी स्किन पर ऑयलीनेस आ जाती है। लेकिन ट्रस्ट मी ये जो मेकअप मैंने किया था तो मेरा जो ये मेकअप लुक है ये कम से कम 6 से 7 घंटे तक एज इट इज़ रहा था। मैं बाहर भी चली गई थी इस मेकअप को करके तो धूप में भी ये एज इट इज़ ही रहा, हल्का हल्का सा पसीना तो आता ही है लेकिन वो फिर भी पसीने से इधर से उधर भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा सा ग्लो मेरे फेस पर देखने को मुझे मिला था और मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे। तो ये आप देख सकते हैं जो भी ज़्यादा लग जाए प्रोडक्ट उसको आप डस्ट कर दीजिए ब्रश से, और ये जो बेस मेकअप है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है लिप शेड की, तो लिप शेड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं पर मुझे आज बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कोई न्यूड शेड लगाऊं, तो ये न्यूड शेड है लैक्मे की जो फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक है, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। इसका रिव्यू भी मैंने अभी रिसेंटली आप सभी के लिए अपलोड किया था तो अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जा कर के देखिए। और ये जो शेड है ये मेरा पर्सनल फेवरेट शेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लगाने के बाद में, जब अभी आप मेरे जो लिप्स हैं उन्हें देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये जो शेड है ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और ये एक न्यूड शेड है। अब मैं बाहर आ गई हूँ, आपको पूरा डे लाइट में ही ये मेकअप दिखा रही हूँ कि ये मेकअप कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, और मैंने बिंदी लगा ली है और अब ये बड़े वाले जो इयररिंग्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लाइट वेटेड हैं ये, और ये मैं कहीं घूमने गई थी तो वहाँ से ही मैंने लिए थे, काफ़ी अफोर्डेबल मिल गए थे मुझे और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक इनसे आता है। और ये मैंने अपना जो हेयर स्टाइल है वैसे ही कर लिया है, मैंने कॉम्ब नहीं किया है, ये जो हेयर स्टाइल है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इस तरीके से भी बालों को रफली खुला कर सकते हैं या फिर आप बन भी बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है गर्मियों में कंफर्टेबल रहना तो आप बन भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ये जो मेरा मेकअप लुक है ये देख सकते हैं, और इस मेकअप लुक के साथ में आप कोई भी आउटफिट पहन सकते हैं, आप इसके साथ में स्कर्ट पहन सकते हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स और क्रॉप टॉप आप इसके साथ में पहन सकते हैं, और उसके साथ में आप कोई भी शूज़ पहन सकते हैं जो कि कंफर्टेबल भी होंगे और आपको ये जो कंफर्ट वियर है ये भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आप इन सब कपड़ों में आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं ईजिली, और गर्मियों में तो हमें कम्फर्ट जोन ही ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप कुछ इस तरीके से अपने आउटफिट को पहन सकते हैं। आप अगर डेनिम पहनना चाहते हैं तो फिर ये जो लॉन्ग इयररिंग है ये आप ना पहनिए, और इसकी जगह पर आप राउंड जो बालियां आती है राउंड में जो बाली आती है वो भी आप पहन सकते हैं, या छोटे छोटे से स्टड्स पहन सकते हैं, उसके साथ में आप अच्छा सा बन बना लीजिए अपने हेयर्स का जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये कुछ इस तरीके से मैं आपको अंदर भी शूट करके दिखा रही हूँ, और यहाँ पर तो मैंने सिंपल सा एक चिकनकारी का कुर्ता पहना हुआ है, उसके साथ में मैंने एक स्कार्फ डाला हुआ है शिफॉन का, तो स्कार्फ का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टाइलिश लुक देता है, आपको इजी ब्रीजी दिखाता है, और स्कार्फ आप जीन्स के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अलग अलग तरह के स्कार्फ को कैरी करना। तो इस तरीके से मेरा जो ये लुक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो, और आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और बहुत ही क्विकली ये मेकअप लुक आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये एक कंसीलर से बेस मेकअप करना सिखाया है, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड के कंसीलर के साथ में इस मेकअप बेस को कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड चेतनाज लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।